फंक्शन होने वाला है ना अमित भाई के घर, तो वहाँ का थीम है पिंक, तो मैंने ये पिंक चूड़ा मंगवाया हुआ है, देख सकते हो। और ये रहा हमारा पार्टी वाला ड्रेस। जी हाँ, आपने सही सुना कि अचानक से हम लोग जो है जा रहे हैं जिया के मायके। बात क्या है, वहाँ पर है एक फंक्शन, तो उस फंक्शन को जो है हम सभी लोग अटेंड करेंगे। मैं मम्मी यहाँ पे बैठ के रोटी बना रही थी और हम खा रहे थे गरम गरम रोटी, और ये देखिए फटाक से सब कुछ छीन लिया। हम उम्र भाई है, उन्हीं का जो है तिलक समारोह था, कुछ दिनों बाद जो है उनकी शादी भी होने वाली है, तो सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा है जी। और नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी, स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो फिलहाल जी हम लोग जा रहे हैं जिया के मायके। जी हाँ, आपने सही सुना कि अचानक से हम लोग जो है जा रहे हैं जिया के मायके। बात क्या है, वहाँ पर है एक फंक्शन, तो उस फंक्शन को जो है हम सभी लोग अटेंड करेंगे। तो आखिर क्या है फंक्शन, आगे चलते हैं फिर आपको बताते हैं। फिलहाल सबसे पहले अपनी गाड़ी को निकाल लेते हैं, और क्रियांश जो है फिलहाल अपने बाबा के पास है, रेडी है, तो जल्दी से गाड़ी निकालते हैं। कहाँ जाना है क्रियांश, नानी घर जा रहा है। चलो चलो चलो, पापा को पापा नहीं, पापा को। हाँ, खुश रहो खुश रहो, जाओ तो बाबा को जय कर दो, बाबा को जय करिए, जल्दी करिए। डांस करेगा, बल्ब जलाएगा वो। लाइट ऑफ करके कोई घर से बाहर जाता है। हाँ, इसका टोपी हो गया ऑन। Hours late. तो फाइनली हम आ गए अपने घर, और घर घुसते ही हमारी लाइट हो गई कट। बिल्कुल जी, तो बिजली विभाग ने जो है बहुत ही शानदार स्वागत किया है हमारा। दरवाजे पे सभी वरों का आशीर्वाद ले लेते हैं पहले। ये है हमारी मम्मी, यहाँ या जाओ गए नानू पास। आवाजें सुन के वहाँ तो जयरामपुर में नाना के साथ खूब खेला। हाँ, सोचे बाबा दिए हेला। आबो जाओ नानू पास, जाओ नानू पास, जाओ खोज रही होगी लोग कहाँ गए वो। हेलो, शरीर पे फैला लिया क्रियांश नानी का। मैं मम्मी यहाँ पे बैठ के रोटी बना रही थी और हम खा रहे थे गरम गरम रोटी, और ये देखिए क्रियांश आ गया फटाक से सब कुछ छीन लिया। क्या किया ये, इधर दिखा, मुंह दिखा, मुंह दिखा मुझे, इधर दिखा, क्या किया तू? क्या होगा नानी के यहाँ इतना करते। हाँ क्रियांश, अब रोटी कैसे बनाएगी जरा, रोटी कैसे बनाएगी नानी? महाराज जी उठिए, महाराज जी बता मम्मा कैसे खाएगी। रोटी बना रही थी ना नानी, गलम गलम तुमको देखा नहीं गया खाते हुए मम्मा को बेटा। जिया के गांव में सभी से मुलाकात करने के बाद हम लोग आ गए जिया के गांव से। ठीक 3 किलोमीटर की दूरी पर है यह गांव सोनबरसा। तो सोनबरसा में जो हमारे एक हमउम्र भाई है, उन्हीं का जो है तिलक समारोह था, कुछ दिनों बाद जो है उनकी शादी भी होने वाली है, तो सभी लोग यहां पर इकट्ठा है जी। और जब वहां पर गए तो देखा कि बहुत अच्छा खासा व्यवस्था है यहां पर, और अच्छे खासी संख्या में जो है लोग सब आए हुए थे। और यह जो गाँव है काफी बड़ा गाँव है, और हमारे भाई से सुना पूरा गाँव वाले तो अभी तक आए भी नहीं है, यह तो कह सकते हैं कि सिर्फ आधे गाँव वाले होंगे। तो जब पूरे गाँव जाते होंगे तो समझ सकते हैं जी कि कितना अच्छा खासा भीड़ लग जाता होगा यहाँ पर। और इनके तिलक समारोह को देख करके जो है हमें अपना भी तिलक समारोह याद आ गया। हमें ध्यान है यह जो रसम है, इस रसम से जो है हम लोग भी गुजरे हुए हैं। और यहाँ पर जो है बहुत सारी महिलाएं सब आए हुई थी, और सभी लोग जो है लोकगीत गा रही थी, और उनके लोकगीत से जो है माहौल और भी बेहतरीन हो जा रहा था वहाँ पर। और हमारे ड्रोन वाले भाई साहब जो है यहाँ पर अपना ड्रोन उड़ा रहे थे, और उनके ड्रोन से जो है थोड़ी सी दिक्कत क्या हो रही थी कि सभी को जो ड्रोन का जो तेज पंखा होता है ना जी, वीडियो तो देखने में जी बड़ा अच्छा लगता है, ड्रोन का शॉट है, ड्रोन का पंखी जो है काफी तेज चलता है, उससे जो है इतनी तेज हवा आती है कि अच्छा खासा फील हो जाता है। तो था ठंड का मौसम और सभी को जो है यह फील हो रहा था। कोई बात नहीं जी, आजकल तो यह शादी विवाह सबका शोभा है, यह सब तो सभी लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। और पापा जो है साइड में बैठे हुए, शायद आपको स्क्रीन में नहीं दिख रहे होंगे। और यह जो वीडियो है हमारे साले साहब मोलू, वह थोड़ा सा ले लिए। तो हम लोग जी आ गए हैं जिया के गांव से, और हम लोग जो है सुबह सुबह ही 8:30 बजे वहां से निकल गए थे, क्योंकि पापा को भी जो है कोर्ट जाना था, और 9:15 बजे से जो है मेरा भी काम स्टार्ट होना था। तो हम लोग आ गए सवेरे ही। फिलहाल जो है हम लोग अपना जल्दी से ड्रेस चेंज सब कर लेते हैं,
और उसके बाद जो है आज और भी कुछ काम सब है और बाकी दो तीन दिन में जो है हम लोग को कहीं और भी निकलना है। जी हाँ, आप में से बहुत लोग जान रहे होंगे एक यूट्यूबर है अमित किट्टो जायसवाल, उनके बेटे का जन्मदिन है तो उसके लिए जो है हम लोगों को जाना भी है हम लोगों को दिल्ली, तो उसके लिए भी तैयारी सब करना है। दिल्ली जाने के साथ साथ जो है हम लोग कानपुर भी निकलेंगे, वहाँ पर हमारे मामा जी हैं तो मम्मी भी साथ में चलेगी और मामा जी सबसे मुलाकात होगी और बाकी जितने भी सभी लोग हैं। जल्दी ड्रेस चेंज करते हैं, काम पर बैठते हैं। फिलहाल क्रियांश आ गया है ऊपर और कुर्सी को जो है उलट पुलट कर रहा है और जिया अपना सारा कपड़े फैला रही है। ये कपड़ा जो पहले का साफ किया हुआ था कभी साफ किया है? ये बस उसमें डाल के चले गए थे रात में और अभी धो लिए फटाक। वाह बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर जो है सारा कपड़ा को जो है फैलाया जा रहा है और मौसम भी बड़ा बेहतरीन है क्योंकि हमारे हाथ में बस 2 या 3 दिन, इसमें कपड़ा प्रेस भी करना है, धोना भी है, सुखाना भी है। हाँ, और इधर जो है मौसम बड़ा बेहतरीन है जी, तो मजा आ रहा है। 3 hours later. तो इस वीडियो को हमने कम से कम 3 बार शूट करने की कोशिश की। पहला बार क्या हुआ कि पतिदेव को कुछ काम था उसमें चले गए हम, दूसरी बार क्रियांश रोने लगा और तीसरी बार जब हम शूट करना चाहे तो फिर ये बोले कि जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ क्योंकि हम लोगों को जाना था घर। चौथी बार शूट कर रहे हैं, देख रहे हैं ये सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहले ये देख सकते हैं ऑन किया, इसको ऑन करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये देख सकते हैं बहुत खूबसूरत सा फोटो है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला फोटो। तो इसमें ये केबल रहेगा, आप इसको अडेप्टर में लगा करके या फिर किसी में लगा करके आप इसको जला सकते हो। तो ये मुझे गिफ्ट में मिला हुआ है। और इसके बाद जो है दूसरा चीज़, हमने ये अभी एक फंक्शन होने वाला है ना अमित भाई के घर, तो वहाँ का थीम है पिंक, तो मैंने ये पिंक चूड़ा मंगवाया हुआ है, देख सकते हैं वहाँ पर पहनने के लिए, जो कि बहुत सुंदर है। इसके साथ आपको ये सब भी मिल जाएगा कड़ा कि मैं पहनूंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी। ये मैंने ऑन ही कर पहले ही इसको पार्सल को ओपन कर लिया था कि क्या है इसके अंदर, और इसके बाद इसमें क्या है वो देखते हैं। इसमें आया हुआ एक बहुत ही प्यारी सी ज्वेलरी, ये देखो कितनी सुंदर सी ज्वेलरी है, देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा ज्वेलरी सेट है। इसको भी मैं रख देती हूँ, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आई हुई है। और एक छोटू सा पार्सल है, इसमें क्या है ये लगता है कोई खोल के देखा है, कोई बात नहीं हम भी खोल के देख लेते हैं। वाह इसमें भी बहुत प्यारा सा इयर रिंग आया हुआ है, दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा है। तो इसको रख देते हैं और मैं कौन सा ड्रेस उस पार्टी में पहनूंगी, वहाँ का जो थीम है पिंक है, फर्स्ट डे जो है येलो है, सेकेंड डे है जो वो ग्रीन या रेड है, कौन सा पहनूंगी सब मैंने मंगवा ही लिया है। दिखाती हूँ आपको क्या क्या आया है, पता नहीं क्या क्या नहीं आया है। तो ये हमारा दूसरा पार्सल देखते हैं, इसमें हमारा पार्टी वाला ड्रेस आया हो या क्या आया है पता नहीं, मैं खोल के देखती हूँ। तो यस इसमें भी कोई प्यारा सा साड़ी आया हुआ है, देख सकते हैं ये हम पूजा के दिन पहनने वाले हैं, वो वाली साड़ी आई हुई है। तो इसको मैं डिटेल में खोल के नहीं दिखा सकती हूँ। और इसमें ये ऑप्शन रखा है मैंने, ये पहनूंगी या फिर रेड कलर का एक मंगवाया है मैंने वो पहनूंगी, जो पहले आ जाएगा वो मैं पहनूंगी। और ये रहा हमारा पार्टी वाला ड्रेस, ये देख सकते हैं बहुत सुंदर है। और ये सारा कुछ हमने ना इंस्टाग्राम के ऑनलाइन पेज से मंगवाया है, अगर इसमें से कुछ भी आपको अच्छा लगे ना तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जरूर चेक कीजिएगा, मैं वहाँ पे सबका डालूंगी। ये देख सकते हैं ये वेलवेट का है ब्लाउज जिसको मुझे फिटिंग कराना होगा, इतना मोटी तो मैं नहीं हूँ जो मुझे आएगा, इसको फिटिंग कराना होगा मुझे। और ये है हमारी साड़ी जो कि बहुत सुंदर है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा है, यही पहनने वाली हूँ मैं। और जो हमारा तीसरा पार्सल है इसके अंदर देखती हूँ क्या आया हुआ है। वाओ इसके अंदर बहुत प्यारा सा सूट आया हुआ है, ये देख सकते हैं जो कि बहुत सुंदर है, इसकी पैकिंग देखिए कितनी सुंदर है। जिन्होंने मुझे ये सूट भेजा है ना उनका हर एक सूट बहुत ही मस्त होता है, मैंने 2-3 बार मंगवाया हुआ है, इस बार भी मैं उन्हीं से मंगवाई हूँ। तो देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा सूट है, ये उसका बॉटम वेयर है और ये है सूट, इसको भी मुझे फिटिंग ही कराना पड़ेगा, ये देख सकते हैं। और ये कहाँ से आया है मुझे, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। और इसका यहाँ व्हाट्सएप नंबर भी, अगर आप लोग ऑर्डर करना चाहते हैं तो इन्हें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और उनको मेरा नाम ज़रूर बोलिएगा कि मैंने उनका देख के आपका लिया है, तो फिर आपको मेरे नाम पे कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आप लोग मेरा नाम ज़रूर बताइएगा क्योंकि मैं बार बार लेती हूँ ना उनसे, कुछ आप लोगों को भी बेनिफिट हो जाएगा। और इसके बाद देखते हैं क्या आया हुआ है। हाँ उसके बाद एक ये है, देखती हूँ उसको खोल के क्या आया हुआ है। और भी मैंने साड़ी मंगवाया हुआ है बट अभी तक आया नहीं है।
वाओ, ये तो किसी और का आ गया है। ये देखिए, ये ना एक्सचेंज हो गया है। मैंने क्रियांस के लिए मंगवाया हुआ था, ये किसी और का आ गया है। इसमें बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे का फोटो है, देखिए। तो लगता है एक्सचेंज हो गया, मुझे इसको रिटर्न करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं। तो और एक मेरा पार्सल आया हुआ है, तो इसको भी मैं ओपन करती हूँ। क्या आया हुआ है? ये मैंने तो नहीं मंगवाया हुआ है, ये लगता है पतिदेव ने मंगवाया है। तो ये पतिदेव ने हॉट बैग मंगवाया हुआ है, जो कि बहुत यूज़ का चीज़ है। तो इतना चीज़ मैंने मंगवाया और बहुत कुछ आने वाला था, लगता है कि अभी आया ही नहीं है। आएगा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी आपको। और हमारा साड़ी कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे लगता है कि किसी और की पार्टी में मुझे उतना हैवी पहनना अच्छा नहीं लगता है, सिंपल पहनना कपड़ा अच्छा लगता है। तो हमने इसलिए अपने लिए साड़ी मंगवाया हुआ है। और जैसे क्रियांस का बर्थडे आएगा तो उसमें कुछ सोचेंगे हैवी पहनने का, या फिर हमारी एनिवर्सरी आएगी उसमें पहनेंगे। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा मेरी साड़ी आप लोगों को कैसी लगी। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारी वीडियोस को देखते हैं बट लाइक नहीं करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, तो प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।